महायुति में 230 सीटों पर बनी सहमति। दिल्ली में बैठक के बाद महाराष्ट्र बीजेपी ने बनाई 50 नामों की पहली लिस्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति में सीट बंटवारा तय हो गया है। ये दावा है कि अजीत वारगुट के सीनियर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का। उन्होंने कहा कि सत्ता पर काबिज महायुति गठबंधन के सहयोगियों के बीच महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में लगभग 230 सीट पर आम सहमति बन गई है। इधर सीटें तय होते ही अब बीजेपी नामों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पहली लिस्ट में 50 प्रत्याशियों के नाम होंगे। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम 230 से 235 सीटों पर आम सहमति पर पहुंच गए हैं। बाकी सीटों पर अंतिम फैसला होने के बाद हम आपको अगले 2 से 4 दिनों में बता देंगे। वहीं बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सीनियर नेता और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में महाराष्ट्र कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक करीब 3 घंटे चली। बैठक में चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग से लेकर चुनाव की रणनीति और फीडबैक तक पर बात हुई। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। महाराष्ट्र बीजेपी ने तय किए नाम। बीजेपी के एक नेता के मुताबिक चुनाव का ऐलान होने के कुछ दिन में ही हम महाराष्ट्र के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देंगे। माना जा रहा है कि पहली लिस्ट में 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। महाराष्ट्र कोर कमेटी ने उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बना ली और आखिरी फैसला पर बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करेगी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। बीजेपी उनमें से करीब 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और बाकी सीटें सहयोगियों को दे सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में उसने 162 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 105 सीटों पर जीत दर्ज की थी।